हेलो दोस्तों, मेरे चैनल प्रोडक्टिविटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन लाया हूँ। अगर आप गिफ्ट करने के लिए कुछ सोचते हैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को, और आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या गिफ्ट करें, तो दोस्तों वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप गिफ्ट कर सकते हो और उसको यूज़ करने वाला भी काफ़ी उसको अच्छे तरह से यूज़ भी कर सकेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पार्कर के पेन की, जो आपको अमेजोन पे 560 रुपीज का मिलता है। लेकिन अगर आप यही पेन लेने जाएंगे मार्केट में, तो आपको दोस्तों 1300 रुपीज का मिलता है। और आप समझ रहे हैं कितना फर्क है पैसे में दोस्तों, कहाँ 1300 और कहाँ 560। तो इतना ज्यादा गैप है इनके प्राइस में मार्केट में और आपको अमेजोन की साइट पे। दोस्तों, मैंने इसको सेल्स में मंगाया था तो मुझे 560 का पड़ा था। वैसे इसका नॉर्मल प्राइस जो अमेजोन पे रहता है वो है 650। ये एक दिन के लिए सेल में ही 520 रुपये का भी हुआ था, बट मैंने वो मिस कर दिया और मैं उसको नहीं मंगा पाया था उस दिन। बट फिर भी मैंने इसको 560 का मंगाया है, और देखते हैं कि 560 के हिसाब से ये पेन कैसे हैं। वैसे मैंने इसको अमेजोन की पैकिंग से निकाल लिया था क्योंकि मुझे चेक करना था। तो दोस्तों, अब चलती है, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और ये अगर हम यूज करेंगे तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको निकालते हैं। दोस्तों, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, हमसे 560 रुपीज़ भी ले रहे हैं, अगर देखा जाए तो एक पेन के 560 रुपये काफ़ी ज़्यादा हैं। बट दोस्तों, यहाँ एक पेन नहीं, यहाँ दो पेन हैं, और इसके साथ आपको एक कार्ड होल्डर भी फ्री में मिलता है। अभी हम इस सबकी क्वालिटी देखेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि पार्कर एक ऐसा ब्रांड है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1888 में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी क्वालिटी पे और इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके साथ जो हम लोग को कार्ड होल्डर मिलता है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये एक दोस्तों, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये आपको पूरा पूरा लेदर फिनिश में मिलता है, और इसका वेट भी अच्छा खासा है दोस्तों। अगर वेट देखा जाए तो वेट भी अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको एक फ्लेम मिलती है जो चढ़ी हुई है इसके ऊपर, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मेटल की पूरी केसिंग मिलती है। यहाँ पे आपको मैग्नेट मिलता है, डबल पूरा आपको वेलवेट फिनिश मिलता है, और ऊपर से पूरा लेदर फिनिश मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का कार्ड होल्डर है ये। तो अगर आप 560 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं और आपको दो पेन पार्कर की तरफ से, एक कार्ड होल्डर पार्कर की तरफ से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बैड डील नहीं है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, इसको एक बार ज़रूर प्रेफर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके पेन्स कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पेन। दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गोल्डन लीफ मिलती है और आपको पूरा पेन सिल्वर में मिलता है। तो ये गोल्डन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में पेन बनाया गया है। साथ में आपको यहाँ पे एक पर्ल टाइप का ब्लैक मिलता है, जो आपको एक अलग ही डिफाइन करता है इस पेन की स्टाइल को और लुक को। साथ में आपको यहाँ पे पेन पार्कर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर हम इसकी रिफिल खोल के देखें दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा दिखाना चाहता हूँ इंटरनली तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रिफिल है वो भी पार्कर की तरफ से ही है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेन कोई और रिफिल कोई और मिल रही हो, पार्कर की तरफ से ही रिफिल भी है। और अंदर से आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेन बनाया गया है। मतलब आपको एक नॉर्मल लोकल पेन नहीं मिलता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने ये बंद कर दिया इसको, और ये आप देख सकते हैं ये पुश पेन है। आप इसको पुश करोगे और ये यहाँ पे निब निकल आएगी, बंद कर दोगे ऐसे ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पेन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो इन्होंने केसिंग दी हुई है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। पूरी स्पंज की केसिंग है और काफ़ी अच्छी केसिंग है। अब आते हैं पेन पे। दोस्तों, सेम वही स्टाइल का पेन है। पूरी यहाँ पे इन्होंने गोल्डन लीव दी हुई है और पेन पूरा सिल्वर कलर का है। यहाँ पे बीच में भी इन्होंने कुछ गोल्डन लीफ दी हुई है, एक रिंग टाइप की पड़ी हुई है गोल्डन। यहाँ पे भी पार्कर लिखा हुआ है इन्होंने, और ऊपर वाल हमको एक यहाँ पे भी ब्लैक पर्ल मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो ये पेन है, ये पेन पुश वाला नहीं है, ये पेन की कैप खुलती है। आप इसकी कैप खोलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर एक अच्छा एक इंक पेन मिलेगा, जो कि पूरा मुझे फाउंटेन पेन की तरह लगता है। अगर आप देखें, पूरा लुक इन्होंने फाउंटेन पेन का दिया हुआ है। अभी हम लिखेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी क्वालिटी भी फाउंटेन पेन की तरह है। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करना चाहेंगे इसकी रिफिल कैसी है। इसको भी एक बार खोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
दोस्तों मैंने कोशिश करी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ओपन होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी रिफ़िल नहीं दिखा पा रहा हूँ और पता नहीं इसमें रिफ़िल है कि इंक है क्या है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगर ये मुझसे खुल जाता है तो मैं इसकी पिक्स आपको अपनी वीडियो के बैक में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होता है बीच बीच में, तो आप देखते रहा करिए मेरी पूरी पूरी वीडियोज़। तो जैसे ही अगर ये मुझसे खुल जाता है तो मैं इसकी पिक्स एंड में लगा दूंगा। तो दोस्तों चलिए इसको बंद करते हैं और हम अब कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ लिख के देखते हैं। इसको साइड में रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस पेन से लिख के देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक नोट पैड है, तो दोस्तों चलिए लिखते हैं, हम लोग लिख के देखते हैं इस पे। तो बहुत ही स्मूथ लिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लिखने में अगर देखा जाए तो। दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा लिखा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। चलिए दोस्तों ये तो हो गई इस पेन की बात, बहुत ही स्मूथ चला है। जैसे कि अगर आप 500 खर्च कर रहे हो तो आपको कोई भी बेकार पेन नहीं मिल जाता है कि जो बीच बीच में फंस फंस के चले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा चलता है और बहुत स्मूथ है, आप इससे बहुत तेज़ी से भी वर्क करोगे तो भी कोई इशू नहीं आने वाला, फटाफट एकदम काम करेगा ये। ये तो हो गई दोस्तों इस पेन की बात, अब हम दूसरे पेन को यूज करके देखते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा पेन है दोस्तों, और जैसे कि वो आप देख सकते थे बॉल पेन की तरह था, बहुत ही स्मूथ था, कोई इशू नहीं था लिखने में। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई इशू नहीं मिलेगा मुझे लिखने में। अब हम लोग इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों एकदम अगर आप इसकी राइटिंग देखेंगे ना तो आपको लगेगा आप कोई फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं, एकदम वैसे ही आपको फील कराता है और वैसे ही आपको एकदम फील देता है। मैं लिखूंगा और तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे दोनों पेन हैं, अगर आप 560 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने लिख रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने जो ये प्रोडक्ट मंगाया मैं इसको भी अच्छी तरह से चेक कर सकूँगा अगर आप मुझे बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास एक कॉम्बो पेन और है जो कि पाकर की तरफ से ही मैंने मंगाया है, अगर आप इसकी भी अनबॉक्सिंग चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग आप लोग के लिए करूँ या ना करूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ तो प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू, जय हिंद।